क्लॉज 3, इन दोनों में ये बाध्य है यानी कंपलसरी है कि वो कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ में एक सर्टिफिकेट लाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा कि दिस पर्सन जो आप व्यक्ति हैं ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी टू द नेशन एंड करप्शन। तो ये दोनों केसेस में अगर कोई नहीं भी है और डिसमिसल भी है तो भी इस फैक्ट का कि ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी टू द स्टेट एंड करप्शन, तो दोनों ही केसेज में सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। तो 5 साल के अंदर में जो भी सरकारी आदमी अगर कोई डिसमिस होता है तो वो डिसमिसल करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट की वजह से नहीं है या है, इन दोनों ही केसेस में एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन से आता है। हमने मौका भी दिया कल आज 11 बजे तक का डेफर करके, लेकिन 11 बजे तक कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं आया। और उसी के अभाव में जो डिसक्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में निर्धारित है, उस डिसक्वालिफिकेशन के आधार पर और जो प्रोविजंस हैं उनके आधार पर एक लॉन्ग स्पीकिंग ऑर्डर पूरा सुनवाई के बाद जो ऑब्जेक्शन आए थे उनकी सुनवाई के बाद सबको समाहित करते हुए जो श्री तेज बहादुर हैं उनका नामांकन निरस्त किया।